केंद्र सरकार द्वारा नॉन ब्रांडेड दाल दलहन और जन उपयोगी खाद्यान्न व मोटे अनाज सहित अन्य पदार्थों पर 5% GST लगाई गई है। इसका विरोध पूरे देश में देखा जा रहा है। वहीं जबलपुर में अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक दिन के लिए अपनी दुकानों को व्यापारियों के द्वारा बंद रखा गया। वहीं व्यापारियों द्वारा जिला कलेक्टर ऑफिस में पहुंचकर एक ज्ञापन भी राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के नाम दिया। व्यापारियों का कहना है कि नॉन ब्रांडेड दलहन एवं जन उपयोगी खाद्यान्न पर जिस प्रकार से 5% GST केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई है, उसका प्रभाव सीधे महंगाई पर ही पड़ेगा। वैसे ही महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे में खाद्यान्न पर 5% GST लगाने से नागरिकों पर महंगाई का बोझ पड़ेगा और व्यापारियों का प्रभावित होगा। इसलिए तत्काल केंद्र सरकार को इस आदेश को वापस लेना चाहिए, जिससे कि महंगाई की मार झेल रहे आम नागरिकों को राहत मिल सके। व्यापारियों का कहना है कि यदि केंद्र सरकार द्वारा उक्त आदेश वापस नहीं लिया गया तो जबलपुर अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मामले को लेकर उग्र आंदोलन भी करेगा। क्या करेंगे हम लोग? अपना उग्र आंदोलन जो आज हम लोगों का है, आज ये देशव्यापी आंदोलन है। ये आज सिर्फ जबलपुर में या पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हर राज्य की दाल मिलें और हर राज्य की मंडियां बंद हैं, इसके विरोध स्वरूप। और हम लोग इसमें विशेष रूप से एक बात और उठाना चाहते हैं कि जिस दिन शासन ने 2017 में GST लाई थी, उस दिन हम लोगों को GST के माध्यम से बताया गया था कि GST जो टैक्स है वो एक बार लिया जाएगा। ये दोहरा टैक्स हम लोगों के ऊपर लगाया जाएगा, जिससे हम लोग सब बहुत आक्रोशित हैं और हमारा व्यापार ख़त्म होने की नौबत पर आ जाएगा। हम बड़ी कंपनियों के कॉम्पिटिशन में नहीं कर पाएंगे, रह पाएंगे, जिससे कि जैसा हमने देखा पिछला जो हम लोगों का अनुभव रहा है, जैसे तेल इंडस्ट्री पूरी ख़त्म हो गई है, आज सिर्फ 2 कंपनियों का वर्चस्व उसके अंदर रह गया है। आगे हम देख रहे हैं कि दाल दलहन एवं अनाज का बाज़ार भी पूरा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में चले जाएगा। इससे अल्टीमेटली नुकसान जो है वो उपभोक्ता को और किसान को ही होगा। ये तो दुगलगी फरमान है, सरकार से निवेदन करने आए कि इसको तुरंत हटाएं, इससे व्यापार में बहुत परेशानी हो जाएगी, हम ही लोग उपभोक्ता पे भार पड़ेगा, किसानों पे भार पड़ेगा। कितने परसेंट? 5% का।